नमस्कार और जावा स्क्रिप्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। चल रहे हैं शुरू करने 41वां सवाल। यहाँ पर देखिए, समय को नहीं बर्बाद करते हैं हम, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए बिना समय को वेस्ट किए हुए। वॉट काइंड ऑफ वर्क इज बींग परफॉर्म इन द फॉलोइंग गिवन पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पर कौन सा वर्क परफॉर्म हो रहा है, एक बार कोड आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, देख लिया होगा। और यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य सवाल को सॉल्व कराना होता है, ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट कराएं। तो ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन यहाँ पर सही आपका हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 42वें सवाल की तरफ। अ सेट ऑफ अनऑर्डर प्रॉपर्टीज दैट हैज अ नेम एंड वैल्यू इज कॉल्ड, तो उसको क्या चीज कही जाती है। यहाँ पर देखिए तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर बारी है आपके 43वें सवाल की। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप विच में आइदर इन ऑर्डर और नॉट इन ऑर्डर इज कॉल्ड, तो सेम डेटा टाइप के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो सेम डेटा टाइप के कलेक्शन चाहे सी में हो या किसी भी लैंग्वेज में, उसको एरे ही कहते हैं। एरे होती ही ऐसी चीज है जो कलेक्शन होती है सेम तरीके के डेटा टाइप की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स थ्री ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट दैट आर, सब ऑब्जेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं जो कि होते हैं प्रोटोटाइप क्लास ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल फ्लैग। यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बारी है आपके 45वें सवाल की। द लिंकेज ऑफ अ सेट ऑफ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। प्रोटोटाइप स्टैक नहीं, प्रोटोटाइप नहीं, प्रोटोटाइप क्लास नहीं, प्रोटोटाइप चेन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 46वें सवाल की तरफ। इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, मतलब ये जो कोड आपको दिया गया है इसमें जो डेटा टाइप ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो चीज क्या कहलाएगी। तो जब इस तरीके से कोई चीज लिखी जाती है तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ प्रोटोटाइप ब्रैकेट में लिखा है और अ पार्ट ऑफ प्रोटोटाइप चेन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द यूजर कैन यूज, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, इज इक्वल टू ऑपरेटर, इज इक्वल्स मैथड, डबल इक्वल इक्वल ऑपरेटर, इज प्रोटोटाइप ऑफ मैथड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज प्रोटोटाइप ऑफ मैथड। चलिए यहाँ पर 48वां सवाल है। इन द फॉलोइंग गिवन लाइन ऑफ कोड द प्रोटोटाइप रिप्रेजेंटिंग द डैश डैश, तो यहाँ पर क्या चीज आपकी होगी। प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 49वें सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड और ऑपरेटर इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरे के लिए यूज कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो इज एरे टाइप यूज होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 50वें सवाल की तरफ। फॉर विच पर्पज द एरे मैप मैथड इज यूज, तो मैप मैथड किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें is used for mapping the element of another array to itself, नहीं, is passes each data item of array and return the necessary mapped element, ये भी गलत है, it passes the data item of array into another array, गलत, it passes every element of the array on which it is invoked to the function you specify and return the array containing the value returned by the function, तो ये आपका D option यहाँ पर बिल्कुल सही हो जा रहा है। Both the reduced write and reduce method follow which of the following common operation? तो ये दोनों कौन से common operation follow कर रहे हैं? Inject and fold, यहाँ पर A option सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है 52वें सवाल की। Which of the following given task is performed by the pop method of the array? तो यहाँ पर कौन सा task pop method के द्वारा perform किया जाता है? तो pop का काम होता है last element को remove करना। यहाँ पर देखिए it update the element of array, नहीं, इट इंक्रीमेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ एरे बाई वन, गलत, इट प्रिंट द फर्स्ट लेटर एंड मेड नो इम्पैक्ट टू द लेंथ ऑफ एरे, गलत, अपडेट द एलिमेंट रिमूविंग वन एलिमेंट ऑफ द एरे इज टाइम पॉप फंक्शन कॉल्ड। तो यही काम होता है पॉप फंक्शन, जितनी बार कॉल किया जाएगा एक एलिमेंट रिमूव होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 53वें सवाल की तरफ। वॉट विल हैपन इफ वी यूज द ज्वाइन मैथड एलॉन्ग विद द रिवर्स मैथड, ज्वाइन मेथड को रिवर्स मेथड के साथ यूज किया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो हम इट विल रिवर्स द एलिमेंट,
एंड स्टोर द एलिमेंट इन द सेम एरे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 54वें सवाल की तरफ। इफ अ फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज नोन एज, अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फंक्शन, नहीं प्रोसीड्यूर्स। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 55वां सवाल देखते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन स्टॉप्स व्हेन द प्रोग्राम कंट्रोल इनकाउंटर्स द डैश डैश स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 56वें सवाल की तरफ। इन विच इवेंट सिनेरियो अ फंक्शन नेम गेट ऑप्शनल इन जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपका देखते हैं ऑप्शन, व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ लूपिंग स्टेटमेंट, नहीं, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, नहीं, व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 57वें सवाल की तरफ। इन जावा स्क्रिप्ट द डिफिनेशन ऑफ अ फंक्शन स्टार्ट्स विथ, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन किसके साथ स्टार्ट होती है, विथ द रिटर्न टाइप, फंक्शन कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस। तो पहला ही जवाब एकदम सही है। ठीक, फंक्शन इसी तरीके से होता है आपका। 58वां सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ द रिटर्न स्टेटमेंट्स हैज नो रिलेटेड एक्सप्रेशन। तो यहां पर क्या चीज होगी, इट विल रिटर्न अनडिफाइंड वैल्यू। पहला ही ऑप्शन फिर से सही है कि ये अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। 59वां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इक्विवेलेंट टू द कॉल अ फंक्शन एक्स ऑफ द क्लास ए विच हैज टू आर्गुमेंट जी एंड एच। तो इसमें से अगर देखें तो यहां पर भी देखें, पहला ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमारा 60वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग गिवन कोड। इस कोड के इक्विवेलेंट कौन सा कोड है, तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इक्विवेलेंट है इसके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ जावा स्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट सवाल थे जो अभी हमने डिस्कस किए। आगे भी सीरीज जारी रहेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।